उछल तो ऐसे रहा है जैसे किसी की आत्मा आ गई हो। You don't want to wake up, you know? अब तो सचमुच आ गई। अरे कोई इसे बिठवा कहीं पानी पिलवा, ठंडे छींटे मार इस। Today I will show you. अरे अरे रुको जरा, सबर करो, पहले बताने तो दो क्या करिश्मा दिखाने वाले हो। ठीक है okay. हाँ तो हम बात करने वाले हैं इस प्राणी के टैलेंट के बारे में। इस प्राणी के पास एक ऐसा टैलेंट है, अब आप उसे टैलेंट कहें या कला या कुछ और, या आप पे डिपेंड करता है, जो ये सबके साथ शेयर करना चाहता है। इसके टैलेंट को देखने के बाद तुम भी कहोगे ये टैलेंट तो हमारे पास भी है, बल्कि ये टैलेंट तो बचपन में ही हमारे अंदर आ गया था। इन फैक्ट मैं तो कहता हूँ लोगों को पढ़ना लिखना बाद में आता है, पहले ये टैलेंट आता है। मगर देता कोई नहीं, तुम माफ करना मैं तो उधर निकल जाता हूँ। मगर किसी को रियलाइज नहीं होता। अब ज्यादा अगर मगर ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। चल भाई दिखा टैलेंट। Today I will show you how to tear paper properly. आज ये प्राणी सिखाएगा पेपर को कैसे फाड़ते हैं properly. क्यों, तुम कौन हो? I'm a paper tearer. I'm a paper tearer. So you get a paper, piece of paper, and then start tearing like that. Okay. And tear it in a straight line. Okay. And like tear it slowly. Slowly. So 2,000 years later. Because if you tear it like that, it makes too much noise. अब आप सीख चुके हैं एक पेपर को properly कैसे फाड़ते हैं। एक मिनट। If you tear it like that, it makes too much noise. क्या? एक पेपर को फाड़ने से बहुत ज़्यादा noise होता है। अच्छा बोले ऐसा होता है। कैसे? क्यों? You don't want to wake up your nan. 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 अबे क्या बकवास गाना गा रहा है? You don't want to wake up your nan. अबे क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा. चुप. बिल्कुल चुप. You don't want to wake up your nan. उछल तो ऐसे रहा है जैसे किसी की आत्मा आ गई हो. You don't want to wake up your nan. अब तो सचमुच आ गई. अरे कोई इसे बिठवा कहीं पानी पिलवा, ठंडे छींटे मार इस। ओए होए कैसे मुस्कुरा रहा है? चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, लेकिन होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। इस प्राणी के पास यही टैलेंट नहीं है, और भी टैलेंट है। और अब तुम जो टैलेंट देखने वाले हो, उसे देखने के बाद तो इसकी माँ ने भी डेफिनेटली इसे कहा होगा, तू बड़ा जरूर हो गया है लेकिन फिर भी तू छोटा है। तो आइए देखते हैं टैलेंट नंबर 2। They will show you how to sit down. ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस दुनिया में सबका इलाज है लेकिन बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। So it's very simple. All you have to do is take your bottom and aim it for a chair. So you can see there is a chair behind me. So you just aim it and the same time you bend your knees. अच्छा, बैठने के लिए पिछवाड़े के साथ साथ घुटने भी मोड़ने पड़ते हैं। मैं तो दोनों को अलग अलग करता था, तभी मैं कई सालों से बैठ नहीं पाया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। साला जब से पैदा हुआ हूँ बैठ नहीं पा रहा हूँ, जिंदगी खड़े खड़े निकल गयी। सेम टाइम यू बेंड योर नीज and to go down and that's it, you sat down. So that's how you sit down. आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे बैठना आ गया, फाइनली अब मैं चेयर पे बैठ सकता हूँ। अबे किसने इसे खुला छोड़ दिया? अरे कोई इसके टैलेंट को बोलो। सर ये तो टट्टी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब मैं भी चेयर पे बैठने जा रहा हूँ।